उदाहरण 12। लोहे का एक बर्तन जिसे खोखले अर्धगोले के ऊपर खोखला बेलन जोड़कर बनाया गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन को बनाने के आवश्यक लोहे की चादर का क्षेत्रफल तथा बर्तन में धारिता तरल का आयतन ज्ञात कीजिए। लोहे की चादर की मोटाई नगण्य है। अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर इसीलिए अर्धगोले का की त्रिज्या बराबर आर बटा दो तो 14/2 हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो होंगी वो होंगी 13 ऋण 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हम बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि होता है 2πRh। अब 2 की जगह 2, पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है। हमने अर्धगोले की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर ज्ञात की है तो गुणा 7 और बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हमने ज्ञात की है यहाँ पे तो 6 7 एकम 7 एकम ये कट जाएगा। तो इस तरह से 22 × 44 को 6 से हम गुणा करेंगे तो 264 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात किया 264 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से हम अर्ध गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बराबर हम जानते हैं इसका सूत्र है 2πr³ बराबर 2, पाई का मान 22/7 और हमारे पास त्रिज्या है अर्धगोले की त्रिज्या 7 तो 7³ है तो 7 × 7 1 7 और 1 7 यहाँ कट जाएगा तो हमें प्राप्त होता है 22 × 44। 44 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 308 वर्ग सेंटीमीटर हमने ज्ञात किया अर्धगोले का क्षेत्रफल। आगे देखते हैं
लास्ट वाला इक्वेशन लिखे जो आया था, नहीं सर ये उतना, उसके बाद अलग पार्ट है। इसलिए बर्तन को बनाने के लिए आवश्यक लोहे लोहे की चादर का क्षेत्रफल बराबर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन अर्धगोले का क्षेत्रफल तो हमने देखा कि बर्तन को बनाने के लिए आवश्यक लोहे की चादर का क्षेत्रफल जो होगा वो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन गोले का क्षेत्रफल होगा। तो हमने ज्ञात किया है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर उसी तरह से हमने अर्धगोले का क्षेत्रफल ज्ञात किया है 308 वर्ग सेंटीमीटर। बराबर ये हमने 264 वर्ग सेंटीमीटर को 308 वर्ग सेंटीमीटर के साथ में जोड़ेंगे तो हमें 572 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इस तरह से हमने चादर का क्षेत्रफल ज्ञात किया 572 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम बेलनाकार भाग का आयतन ज्ञात करेंगे। बेलनाकार भाग का आयतन बराबर ये होता है पाई आर की घात 2 h। तो हमारे पास पाई का मान तो हम जानते हैं 22/7 है और आर हमने ज्ञात किया था 7 सेंटीमीटर तो आर की घात 2 है तो 7 × 7 × 6 क्योंकि ऊंचाई हमने 6 सेंटीमीटर निकाला था तो 7 × 7 × 7 × 7 और 22 को जब हम 7 × 6 = 42 को जब हम 22 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 924 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने बेलनाकार भाग का आयतन ज्ञात किया 224 घन सेंटीमीटर। और इसके बाद हम अर्धगोले का आयतन ज्ञात करेंगे। और अर्धगोले का आयतन
बराबर हम जानते हैं अर्धगोले का आयतन जो होगा होता है 2/3 पाई आर की घात 3 होता है, बराबर 2/3 पाई का मान 22/7 गुणित त्रिज्या जो है हमारी 7 है, तो आर की घात 3 है तो हम 7 को 3 बार गुणा करेंगे और इसको हल करने पर 7 × 7 कट जाएगा, 7 × 7 और आगे 44 को जब हम 49 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 718.6 घन सेंटीमीटर, 718.6 घन सेंटीमीटर। और आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं, अतः 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 बर्तन में धारिता अतः बर्तन में धारित पानी की मात्रा बराबर बेलन का आयतन धन अर्धगोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन हमने ज्ञात किया था 924 घन सेंटीमीटर धन अर्धगोले का आयतन हमने ज्ञात किया था 718.6 घन सेंटीमीटर। अब कहीं 924 घन सेंटीमीटर को जोड़ेंगे 718.6 घन सेंटीमीटर से तो हमें प्राप्त होगा 1642.6 घन सेंटीमीटर। तो बच्चों हमने क्या ज्ञात किया, बेलन में इस तरह से बच्चों हमने ज्ञात किया कि बर्तन में धारित पानी की मात्रा 1642.6 घन सेंटीमीटर होंगी। तो यह इस उदाहरण का हल होगा।